स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्वांटम फिजिक्स में एक बड़ा नाम वर्नर हाइजेनबर्ग। तो इससे पहले मैंने ऑपरेशन ट्रिनिटी और ओपेनहाइमर का बायोग्राफी को रिव्यू किया है, तो आज मैं उसी से रिलेटेड हाइजेनबर्ग का बायोग्राफी को भी रिव्यू कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ओपेनहाइमर का बात बोलूँ और प्रोजेक्ट ट्रिनिटी के बारे में बात करूँ, हाइजेनबर्ग के बारे में बात ना किया जाए तो ये नाइंसाफी होगा। तो हाइजेनबर्ग भी एक बहुत महान साइंटिस्ट है क्वांटम फिजिक्स के। तो आज उनके बायोग्राफी जानेंगे, उनका लाइफ के बारे में जानेंगे, और सबसे ये क्वांटम फिजिक्स में बड़ा नाम होने के साथ साथ ये उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर भी गुजरा है। और इन्हें बहुत आपका जाकर वर्ल्ड वॉर टू के बाद इनको बहुत सख्त निगाह से लोग देखते थे और मानते थे कि ये नाजी जर्मनी का आदमी है। आज हम लोग हाइजेनबर्ग के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हाइजेनबर्ग कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और हाइजेनबर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में मैं दो लाइन बता दूंगा, क्योंकि ये तो फिजिक्स का क्लास नहीं है जो मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताऊं। सिर्फ इतना जान लीजिए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो देने वाले यही वर्नर हाइजेनबर्ग है। और एटम बॉम्ब बनाना है, एटम को स्प्लिट करके उससे बॉम्ब बनाया जा सकता है, ये भी आइडिया देने वाला हाइजेनबर्ग ही है। तो इनका पूरा नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1901 में बुर्क जर्मनी में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर ऑगस्ट हाइजेनबर्ग था और उनकी माता का नाम एनी वेकलिन। उनके फादर जो थे वो एक प्रोफेसर थे मॉडर्न ग्रीक लैंग्वेज के यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। तो उनके पापा खुद एक प्रोफेसर थे मॉडर्न ग्रीक लैंग्वेज के। तो हाइजेनबर्ग का बचपन में माना जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हाइजेनबर्ग को बहुत दिनों तक स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा और बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजरा। लेकिन हाइजेनबर्ग एक इंटेलिजेंट और एक जीनियस बच्चा थे, तो उन्होंने अपना पढ़ाई को बीच में छोड़ा नहीं, वो स्कूल कंप्लीट किया। और हाइजेनबर्ग मैक्सिमिलियन स्कूल में गए जो म्यूनिक में था, और वहां पर 1920 तक वहां पढ़ाई की। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में गए फिजिक्स पढ़ने के लिए, जबकि देखा जाए मैं आपको बता दूं कि जो हाइजेनबर्ग थे उनका पहला जो सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट था वो था मैथ। लेकिन वो मैथ्स में किसी भी कारणवश वो मैथ्स को लेकर आगे पढ़ नहीं सके, फिर वो फिजिक्स लिए। और फिजिक्स लेने के बाद वो फिजिक्स में कमाल ही करती है। तो जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में गए फिजिक्स स्टडी करने, तब वहां पर उन्हें मिले सॉमरफेल्ड, वियान, प्रिंगशेन एंड रोसेनथैल। तो ये सब साइंटिस्ट के अंदर रहकर वो पढ़ाई भी किया, और सॉमरफेल्ड का तो समझ लीजिए कि वो असिस्टेंट भी रहे। इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग का छत्रछाया इनका सर में बना हुआ था। तो ये सब साइंटिस्ट का तो रहकर पढ़ाई भी किए, सीखे भी और काम भी किए। तो 1922 और 23 का सर्द का मौसम था, वो फिजिक्स पढ़ने के लिए चले गॉन्टिंघम। वहां उनका मुलाकात मैक्स बॉर्न से हुआ, फ्रैंक से हुआ, हिल्बर्ट से हुआ, और वहां पर ही जाकर वो मैक्स बॉर्न के साथ फिजिक्स जो क्वांटम फिजिक्स में उसमें काम करना शुरू कर दिया। 1923 में उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से। फिर वो असिस्टेंट बन गए मैक्स बॉर्न का यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंघम। फिर 1926 में उन्हें एक लेक्चरर अपॉइंट कर लिया गया थियोरेटिकल फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉपेनहेगन। देखिए 1926 में उन्हें लेक्चरर अपॉइंट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कॉपेनहेगन में। उनका सब्जेक्ट है थियोरेटिकल फिजिक्स पे वो लेक्चर दिया करते थे, और वहां पर उनका मुलाकात नील बोर से हुआ, ये भी एक फेमस साइंटिस्ट है। तो उनका संग रहकर भी वो बहुत काम किए, बहुत सारा लेक्चर दिए, बहुत सारा रिसर्च अंजाम दिए। 1927 में जब वो 26 साल के थे तो उन्हें फिर एक प्रोफेसर अपॉइंट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्ज़िग में। यहाँ पर भी वो थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ाया करते थे। फिर 1927 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपना पेपर को पब्लिश किया था, वही पेपर पब्लिश करने पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर 1929 में वो एक लेक्चरर टूर पे निकले, यूनाइटेड स्टेट गए, वो वहां जाकर उन्होंने लेक्चर दिया, जापान गए, इंडिया, ये सब जगह में वो उन्होंने लेक्चर दिया अपना। फिर 1941 में उन्हें अपॉइंट किया गया प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स का यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, उन्हें फिजिक्स का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। फिर जब नाजी जर्मनी, जब हाइजेनबर्ग ने बताया कि मैं एटम बॉम्ब बना सकता हूँ, यानी कि मैं यूरेनियम को स्प्लिट करके उससे बहुत बड़ा ऊर्जा पैदा कर सकता हूँ, और वो ऊर्जा बड़ा एटम बॉम्ब एक सोनिक एक्सप्लोसिव का रूप ले लेगा जिससे बहुत तबाही आ सकता है। तो ये बात जब बताया हाइजेनबर्ग ने नाजी लोग को, तो नाजी जर्मनी ने बोला ठीक है, इससे तो जंग का रुख ही बदल जाएगा। तो उन्होंने हाइजेनबर्ग को पूरा तरीका से समर्थन दिया। जबकि आपका जाकर जो हिटलर था वो उतना साइंटिस्ट लोगों को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो पूरा समर्थन दिया, पैसा दिया, और रिसोर्सेज को तो कमी था नहीं। लेकिन हाइजेनबर्ग का सबसे बुरा स्थिति तब आता जब शुरुआती दौर में जब हाइजेनबर्ग ने यूरेनियम को स्प्लिट किया, उससे एनर्जी निकाला, तो बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। लेकिन 1943 में एक हादसा हो गया, जिसमें क्या हो गया, जब वो बहुत बड़ा बॉम्ब बनाने का कोशिश कर रहे थे और एक बड़ा मास यूरेनियम का जिसे स्प्लिट कर उससे एनर्जी निकालने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान क्या हो गया, लैब में आग लग गया और पूरा तरीका से उनका जो मेन लैब था वो बर्बाद हो गया। उसके बाद नाजी जर्मनी ने कभी भी उन्हें फंडिंग नहीं किया, क्योंकि उस टाइम नाजी जर्मनी खुद उसका हालत खराब था और नाजी जर्मनी हार रहा था, तो उन्होंने कभी भी और सपोर्ट नहीं किया हाइजेनबर्ग को। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया था। देखिए हाइजेनबर्ग ये बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है मेजर करना या कैलकुलेट करना पोजिशन और मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन और मोमेंटम आप कभी भी कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजिशन अगर आप
कैलकुलेट करिएगा तो आप उसका मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकेगा, और मोमेंटम कैलकुलेट करिएगा तो उसका पोजिशन कैलकुलेट नहीं कर सकिएगा। तो ये बोलना था कि कोई भी जो एटम होता है वो अनसर्टेन है, उसका एक चीज अगर आप जान लीजिएगा तो एक चीज आपसे छूट जाएगा। तो यही उनका मेन प्रिंसिपल था, और ये प्रिंसिपल बेस्ड था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर के ऊपर। देखिए हाइजेनबर्ग ने 1925 या 27 में आपका जाकर एक पेपर पब्लिश किया था थ्योरी और एप्लीकेशन डिस्कवरी ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। इनके इसी के बेस के ऊपर उन्हें 1933 में आपका जाकर नोबेल प्राइज मिला। तो ये थ्योरी देने के बाद आपका जाकर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ये थ्योरी देने के बाद हाइजेनबर्ग बहुत फेमस हो गया और उनको 1932 में नोबेल प्राइज भी मिल गया, और ये नोबेल प्राइज पाने वाले आपका जाकर सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। तो 1933 में क्या हुआ, जब हाइजेनबर्ग को अवार्ड भी मिल गया तो उसके बाद आपका जाकर नाजी जर्मनी मतलब जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय। नाजी जर्मनी का फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, इसका शॉर्ट फॉर्म नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी का ये मानना था कि जो नॉन आर्यंस है उन्हें खत्म कर दिया जाए, या ऐसे लोग जो अनडिजायरेबल है यानी कि एबनॉर्मल उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले उनका सिविल सर्विस छीन लिया गया, उनको हर एक पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। पहले तो उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया, कोई दर कमा रिजाइन कर दिया ठीक, जो रिजाइन नहीं कर पाए उन्हें डिसमिस कर दिया गया। जितना भी यहूदी साइंटिस्ट है या वो साइंटिस्ट जो हिटलर का आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते उन सबको आप जाकर मतलब नौकरी से निकाल दिया, या कुछ लोगों को तो मार भी दिया, या तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भर दिया। और जो साइंटिस्ट पहले ही जान लिया कि हिटलर हम लोगों का साथ बुरा करने वाला था वो पहले ही देश छोड़ के भाग गए। उसमें से एक बड़ा एग्जाम्पल है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चल गया था कि मतलब जर्मनी में नाजी पार्टी यहूदी लोगों के साथ क्या करे, तो वो वक्त रहते रहते पहले ही अमेरिका चले गए। तो वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट सब भाग कर अमेरिका चले गए, और वहां जाकर उन्होंने एटम बम का निर्माण कर दिया। तो हाइजेनबर्ग जो थे वो ऐसा नहीं है कि वो नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते थे, वो शुरुआती दौर में वो ये कहा करते थे आपका जाकर भले माहौल खराब है लेकिन साइंस तरक्की कर रहा है, साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है। तो हाइजेनबर्ग को आइडियोलॉजी के लिए हाइजेनबर्ग को बहुत अटैक हुआ, जिस तरीके से बाकी सब साइंटिस्ट के ऊपर अटैक हुआ उनके आइडियोलॉजी के कारण, तो हाइजेनबर्ग के ऊपर अटैक। तो देखिए उस टाइम नाजी पार्टी ने अपना जो साइंटिस्ट थे आर्यंस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, तो उन लोगों को जिम्मेदारी दिया कि साइंस को भी सपोर्ट करो और साइंस को भी ऐसा दर्शाओ कि वो भी आर्यन रेस ही है साइंस का तरक्की करने वाला। और उस टाइम के जो भी साइंटिस्ट थे वो उन लोग क्या बोल रहे थे कि जो भी थ्योरी आप अदा करिए ज्यूस लोग दे रहा है तो वो थ्योरी गलत है, उन्हें नहीं मानना चाहिए कि साइंटिस्ट होकर अगर आप बात सही बोल रहे लेकिन एक आइडियोलॉजी का कारण आपका पढ़ाई आपका थ्योरी का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो नाजी जर्मनी से जो नाजी लोग ने जो फिजिस्ट को और साइंटिस्ट को एफिलिएटेड किया था वो लोग ये बोल रहे थे कि जो नॉन ज्यूस है या जो नॉन आर्यंस है और जो ज्यूस है उन लोगों का थ्योरी गलत है, जो लॉ ऑफ रिलेटिवली जो है वो गलत है वो सही नहीं है। और ये सब जो साइंटिस्ट थे जो नाजी जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे जिसमें से उनका लीडर जोहानस स्टार्क थे, इस मूवमेंट का कि इनका मेन काम था कि साइंस को भी ऐसा इन्फ्लुएंस करना कि वो नॉन आर्यंस लोग को दबाए और नॉन आर्यंस लोग का कोई भी साइंटिफिक थ्योरी को हमें सपोर्ट नहीं करना है, उसे नकारना है। तो सोमरफेल्ड जो थे जो आपको जाकर हाइजेनबर्ग जिनका साथ मिले काम किए, तो सोमरफेल्ड थे वो भी नाजी जर्मनी की आइडियोलॉजी से खिलाफ थे, तो उनको भी बहुत सारा अटैक झेलना पड़ा। तो हाइजेनबर्ग जब एक वक्त में सोमरफेल्ड का साथ काम कर चुके थे तो इसका कारण हाइजेनबर्ग को भी बहुत सारा अटैक झेलना पड़ा। देखिए एसएस का जनरल एसएस जो था नाजी जर्मनी को सपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट लोग का ग्रुप था, तो उसमें एक आर्टिकल छपा जिसमें साइन था जाकर जोहानस स्टार्क का, और उसमें हाइजेनबर्ग को एक वाइट ज्यूस कहा गया। और एक जर्मन जर्नलिस्ट और पेसिफिस्ट थे कार्ल वॉन ओसेट्सकी, वो 1935 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, उन्हें भी इम्प्रिजन करें यानी कि जेल में भर दिया गया। 1931 में ये जो कार्ल वॉन ओसेट्सकी थे इनको पर देशद्रोह का मुकदमा लगा और उन्हें बोला गया कि आप जर्मनी का जो सीक्रेट प्लान है वो क्या कर रहे हैं, जर्मनी जो हथियार द्वारा से बना रहा है, क्योंकि जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में ये बोला गया कि वो अपना आर्मी को बढ़ा नहीं सकता है। तो ये जो जर्मनी जो अपना आर्मी को बढ़ा रहा है ये बात लीक करने वाला यही पर्सन है कार्ल वॉन ओसेट्सकी, ये बोलकर उन्हें जेल में भर दिया गया। फिर उन्हें 1932 में माफ कर दिया गया, फिर उन्हें फिर से पकड़ लिया गया कि ये हमारा बात को लीक कर रहा है और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया 1933। तो देखिए पढ़े लिखे लोगों का साथ और इंटेलेक्चुअल का साथ नाजी जर्मनी क्या कर रहा था। तो हाइजेनबर्ग को भी बहुत सारा अटैक झेलना पड़ा, जबकि उनका लिंक बहुत अच्छा था आपका जाकर हेनरिक हिमलर का साथ। हिमलर जो थे ये भी आपका जाकर नाजी जर्मनी के साइंटिस्ट लोग का वो ग्रुप में थे जो नॉन आर्यंस लोग को गलत बोल रहा था, नॉन आर्यंस लोग का जो थ्योरी है उसको गलत बोल रहा था। तो ये जो हेनरिक हिमलर से ये जो हाइजेनबर्ग की माता की फैमिली के तरफ से इनका रिलेशन होता था, तो उन्होंने क्या किया हेनरिक हिमलर को एक रिक्वेस्ट भेजा जो एसएस चीफ थे कि आप यहाँ पर इंटरवीन करिए और मुझे प्रोफेसरशिप म्यूनिक में दिला दीजिए। तो हिमलर इन्वेस्टिगेशन किए और एक कॉम्प्रोमाइज किए कि हाइजेनबर्ग के ऊपर ये जो इल्जाम लगता है कि ये नाजी जर्मनी का सपोर्टर नहीं, ये हटा दिया जाए। तो उनका पर इल्जाम यही था कि सोमरफेल्ड का ये सक्सेसर है कौन आपका जाकर हाइजेनबर्ग। सोमरफेल्ड तो चले गए लेकिन उनका आइडियोलॉजी हाइजेनबर्ग आगे फैला रहा है, तो ये जो इल्जाम था उनके ऊपर से हटा दिया गया। लेकिन और उनके ऊपर जो पर्सनल अटैक हो रहा था उससे तो वो बच गए, लेकिन और बोला गया कि फ्यूचर में आपको प्रोमिनेंट
प्रोमिनेंट पोस्ट मिलेगा, लेकिन उन्हें उतना बड़ा पोस्ट बहुत दिन तक नहीं मिला। और इसका कारण यही था जो स्टार्क और जो आर्यन फिजिस्ट थे उन लोग क्या कर रहे थे, नाजी स्टेट में जो नाजी लोग आइडियोलॉजी उसे सपोर्ट कर रहे थे और नाजी साइंटिस्ट लोग आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ पर आपको जाकर हाइजेनबर्ग का समझ लीजिए कि उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था नाजी जर्मनी में। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हाइजेनबर्ग एक पैट्रियट थे, देशभक्त थे, तो कभी भी जर्मनी छोड़ने का नहीं सोचे। वो हमेशा देश से प्यार करते थे, उनको सपना ये था कि जर्मनी एक पावरफुल नेशन बन के उभरे। और उन्हें पता था ये जो नाजी फिजिस्ट लोग जो साइंटिस्ट लोग इन लोग सिर्फ जज्बाती वाला बात बोल रहा है, इनको साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्हें हाइजेनबर्ग अगर चाहते तो उनको आपका जाकर बहुत अच्छा अच्छा ऑफर आ रहा था यूनाइटेड स्टेट का, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से उन्हें बुलावा भी आया कि आप उधर आइए, लेक्चरर बनिए, प्रोफेसर बनिए, लेकिन वो कभी गए नहीं। उनको ये था कि मुझे अपना देश के लिए काम करना है। फिर 1937 में हाइजेनबर्ग ने एलिजाबेथ स्कूमैचर से शादी कर लिया, जो एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर का बेटी थी। और ये जिनसे वो शादी के वो उनसे मिले थे कॉन्सर्ट में। तो दूसरा साल ही उनका ट्विन बच्चा पैदा हुआ। तो और उनके बाद उनका टोटल 7 बच्चा हुआ। तो मैंने बताया कि 1943 में जब हाइजेनबर्ग असफल हो गए एटम बम बनाने में, तो नाजी जर्मनी को कोई भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। फिर भी वो अपना हद तक जितना भी उनके पास रिसोर्सेस था उससे वो कोशिश तो कर रहे थे। लेकिन बाद में वो 1944 में आपका जाकर स्विट्जरलैंड चले गए एक लेक्चर देने के लिए। जब स्विट्जरलैंड चले गए तो वहां पर अमेरिका को मौका मिला, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री था। तो वहां मौका मिला, अभी भी अमेरिका को ये लग रहा था कि नाजी जर्मनी जो है वो एटम बम बना चुका है, बनाने का करीब है। वो ये उन लोगों को नहीं पता था कि इन लोग मिशन फेल हो चुका है इन लोगों का। तो जो अमेरिका था उन्होंने अपना एक जासूस भेज दिया स्विट्जरलैंड और बोला कि आप नजर रखिए कि हाइजेनबर्ग कितना करीब है एटम बम बनाने का, अगर आपको लगे कि ये एटम बम बनाने का नजदीक में है तो आप उसे संग संग गोली मार लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आया, जिसका नाम है अमेरिकन जीनियस। वो ये अमेरिकन जीनियस में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पूरा दर्शाया गया किस तरीके से उनको मारने का प्लान किया गया था। लेकिन उनको लगा कि ये नाजी जर्मनी का आदमी लोग है जो मुझे मारने का फिराक में, तो वो अपना बात बोल दिए कि मेरा मुझसे गलती हो गया, मेरा लॉस हो गया। वो अपना इजहार कर दिए बात की मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, लेकिन अभी मैं सफल नहीं हुआ। ये बात जब पता चल गया वो जासूस को, तो समझ गया कि ये असफल है। इनका बात से पता चल गया कि अब ये एटम बम बनाने का नजदीक भी नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया तो हाइजेनबर्ग को ब्रिटिश अथॉरिटी ने उन्हें कैप्चर कर लिया और भी बहुत सारे साइंटिस्ट को, और उन्हें फिर जाकर रिलीज किया जनवरी 1946। और फिर से उन्हें, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता था कि अगर हम साइंटिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश का हालत बुरा है, समझ लीजिए कि हाइजेनबर्ग एक नामी गरामी साइंटिस्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है, तो इनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो उन्हें फिर से डायरेक्टरशिप दे दिया गया कैसर विलहेम इंस्टीट्यूट का, उन्हें फिर से डायरेक्टरशिप दे दी गया और वहाँ का डायरेक्टर बनकर रहे हो। फिर ये जो कैसर विलहेम है उसका नाम बदलकर मैक प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर फिजिक्स कर दिया गया, जो गोटिंगेन में था। तो वॉर के बाद बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बहुत सारा जर्मन साइंस का स्पोर्ट्स पर्सन बनकर सामने आए हाइजेनबर्ग वेस्ट जर्मनी में। तो वेस्ट जर्मनी में, क्योंकि उस टाइम वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दो पार्ट हो चुका था, तो हाइजेनबर्ग वेस्ट जर्मनी में रहते थे और वहां पर रहकर उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया एक जर्मन साइंटिस्ट के होने के नाते, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम सरंजाम दिया। 1943 में हाइजेनबर्ग को पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया जर्मन रिसर्च काउंसिल का, मैक्स प्लैंक सोसाइटी का। और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद भी हाइजेनबर्ग जो थे वो जो क्वांटम फिजिक्स है उसके ऊपर थ्योरी पे काम करने लगे, वो कभी छोड़े नहीं। और 1958 में उन्होंने एक थ्योरी सबके सामने लाया जिसका नाम यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, और न्यूज़पेपर ने ये स्टोरी को ऐसे हाईलाइट किया, वर्ल्ड फार्मूला के नाम से ये स्टोरी को हाईलाइट किया, ये थ्योरी को सबके सामने लाया। फिर 1970 में वो हाइजेनबर्ग जो थे ये जो इंस्टीट्यूट था मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स उससे रिटायर ले लेते हैं। कुछ हम लोग नजर डाल लेते हैं हाइजेनबर्ग का अचीवमेंट के ऊपर। देखिए उनको बहुत सारा मेडल और प्राइजेस तो मिला ही था, लेकिन उन्हें बहुत सारा ऑनरेरी डॉक्टरेट भी मिला यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुक्सेल से, फिर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कार्लसरुए से भी उन्हें बहुत ऑनरेरी और प्राइज और अवार्ड मिला। फिर उन्हें 1964 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट से उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ बवेरिया भी मिला। फिर ग्रैंड क्रॉस फॉर फेडरल सर्विस विद स्टार, जो जर्मनी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, वो भी उन्हें मिला। फिर वो फेलो रहे आपका जगह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का। फिर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट पीस क्लास ये भी उनको मिला है। फिर वो अकेडमिक ऑफ साइंस गोटिंगेन का मेंबर भी रहे, बवेरिया, सैक्सनी, प्रूसिया, स्वीडन, रोमानिया, नॉर्वे, स्पेन, द नीदरलैंड, रोम, जर्मन अकेडमी डे नेटुरफॉर्सर, लियोपोल्डिया अकेडमी डे लिंसी रोम में है, फिर अमेरिकन अकेडमी ऑफ साइंस में, ये सब जगह वो उन्हें कहीं लेक्चरर कहीं प्रोफेसर ऑनररी अवार्ड यहाँ पर सब उन्हें मिला। फिर 1949 से लेकर 1951 में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ ड्यूशेट फॉर्स चंगस्ट्रैट जर्मन रिसर्च काउंसिल था, उनका उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1953 में वो प्रेसिडेंट बन गए एलेक्सर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के। और उनका हॉबी में एक दो, तो उनका हॉबी फिजिक्स तो था ही था, फिजिक्स के अलावा उन्हें म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था, वो बहुत अच्छा पियानो भी बजाते थे। और मैंने जैसे बताया वो शादी किए थे एलिजाबेथ स्कूमैचर से, उनका 7 बच्चा, और वो म्यूनिक में ही रहे। फिर 1 फरवरी 1976 में म्यूनिक में ही उनका देहांत हो गया। आज हम लोग ने हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड
ये भी जाना कि उनके ऊपर कितना कंट्रोवर्सी था और उन्हें नाजी जर्मनी पसंद नहीं करता था, फिर भी उन्हें साइंटिस्ट बनाया गया क्योंकि उस दौर में उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट था नहीं क्वांटम फिजिक्स में, और उन्होंने आइडिया दिया था एटम बम बनाने का। लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं जब इनिशियल स्टेज में आपका जाकर सक्सेस मिला हाइजेनबर्ग को, वो चाहते तो वो एटम बम बना सकते लेकिन वो बनाए नहीं, क्योंकि वो ज्यादा ह्यूमैनिटी को मतलब ज्यादा तवज्जो उनका रहता था, फोकस रहता था, तो वो ये सोचते अगर बन गया और हिटलर जैसा सनकी आदमी है तो इससे हो सकता है कि इन द फ्यूचर बहुत बड़ा तबाही हो जाए, और ये तबाही ना होती इसी के लिए जानबूझकर वो क्या किए प्रोसेस को डिले पे डिले कर दिया। बहुत सारा हिस्टोरियन का ये भी मानना और बहुत सारा हिस्टोरियन का ये मानना कि उनको इतना कि जो एटम बम बनाने का जो फील्ड में जो नॉलेज है वो बहुत कम था, उनको इतना कोई इतना अच्छा ग्रिप नहीं था जिसकी वजह से वो सक्सेस ना हो पाए। तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग थ्योरी है, कोई ने गद्दार मानता है, कोई ने देशभक्त मानता है, वो सब अपने ऊपर हिस्टोरियन का अलग अलग व्यू है। आपका क्या व्यू होगी कॉमेंट में अपना राय दे सकते हैं, और इससे भी बेहतर और अच्छा टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कॉमेंट कर दीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप लोगों को रोचक जानकारी मिलते रहे।